दोस्तों आमतौर पर कुएं से पानी निकालो तो उसका पानी धीरे धीरे खत्म होता जाता है, लेकिन जब बात मक्का शहर के कुएं से निकलने वाली जमजम की पानी की होती है तो ये पानी ना सिर्फ चमत्कारी है बल्कि इतना रहस्यमय है कि इसके बारे में सुनकर आप भी परेशान हो जाओगे। क्योंकि इस कुएं से हर रोज हजारों की संख्या में लोग पानी निकालते हैं, लेकिन इतने सालों में ना ही ये कुआं सूखा और ना ही इस कुएं का वाटर लेवल कम हुआ। और ये कोई ऐसा वैसा कुआं नहीं है, इस्लाम धर्म के लोगों के लिए यह किसी अमीर से कम नहीं है, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जब हम आपको एक वैज्ञानिक की इस पानी के ऊपर किए गए रिसर्च के बारे में बताएंगे तब तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले आए। बेटे इस्माइल को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक बूंद दिखाई नहीं दे रही थी। मासूम इस्माइल प्यास से इतना ज्यादा तड़पने लगा कि उसने रेत के ऊपर अपनी हड्डियां रगड़नी शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार होता है और रेत में से पानी निकलने लगता है, और यही वो जगह है जहां पर बाद में कुएं को बना दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया जमजम पानी के नाम से जानी जाती है। इसी पानी को मक्का मदीना में हज की यात्रा करने गए लोग ना सिर्फ पीते हैं बल्कि सबसे पवित्र भी मानते हैं और इसे अपने घर पर भर कर लाते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में यह दुनिया का सबसे पवित्र पानी है जो कि सभी कष्टों को दूर कर देता है। अब आप सोचते होंगे कि आखिर रेगिस्तान के बीच कैसे यह जमजम का पानी आता है। दोस्तों इसके ऊपर कई तरह की रिसर्च की गई, फिर ये नतीजा निकाला गया कि जमजम का पानी मक्का के पहाड़ियों पर बने दरारों से आता है। और इस्लामिक मान्यता को माने तो पहाड़ियों पर यह दरारें तब तक बनी थी जब इस्माइल अपना पैर जमीन पर रग रहा था। अब आप सोच लीजिए कि इस्माइल के पैर रगड़ने से मक्का में इस कदर महीम दरारें पड़ने की आज के समय के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देखकर हैरान हो चुकी है। अब यहां सवाल यह है कि आखिर क्यों मुस्लिम जमजम के इस पानी को दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। इस बात की खोज करने के लिए कई सारे वैज्ञानिक ने जमजम के पानी पर कई रिसर्च की, लेकिन जापान के एक वैज्ञानिक मसारू एमोटो ने एक ऐसी चीज की खोज निकाली जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। मसारू एमोटो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर पानी पर रिसर्च करती है। ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। जब इन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उस पर काफी लंबे समय तक अपनी स्टडी की। इसकी यह रिसर्च इसलिए लंबी समय तक चली क्योंकि एमोटो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी है कैसा। इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इनका कहना है कि जमजम के पानी के पार्टिकल माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता। जमजम का पानी इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए, इसके क्रिस्टल बनाने के लिए जमजम की पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की हजारों बूंदों के साथ मिलाना होगा, तब जाकर इसके पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से देखा जा सकते हैं और इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। मसारू एमोटो एक और हैरान कर देने वाली खुलासा किया है। इनका कहना है कि जब जमजम की पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की हजारों बूंदों से मिलाया जाता है तो उन हजारों बूंदों में भी वही गुण आ जाता है जो जमजम की एक बूंद में होता है। अगर हम इस जापानी वैज्ञानिक की माने तो इनके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं। अब अगर हम किसी नॉर्मल पानी का क्रिस्टल बनाए तो उनकी बनावट अलग होगी, लेकिन जब मसारू एमोटो ने जमजम के पानी की क्रिस्टल बनाई तो वो पूरी तरह से तंग रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर एक क्रिस्टल एक ही तरह का था। सिर्फ इतना ही नहीं, जमजम के पानी से बहने वाला क्रिस्टल नॉर्मल पानी से बनने वाला क्रिस्टल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी बनता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब मसारू एमोटो को यह पता चला कि मुसलमान इस पानी को पीने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। अब यह जापानी वैज्ञानिक तो इस पानी के बारे में हर एक चीज जानना चाहता था, इसलिए उन्होंने भी इस प्रोसेस को अपना कर देखा और फिर पाया कि जब इस पानी के बिस्मिल्लाह कहा जाता है तब इसके क्रिस्टल पूरी तरह से बदलने लगते हैं और इस पानी की गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों जमजम का पानी इस दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो कभी भी खराब नहीं होता और ना ही इसमें किसी प्रकार की बीमारी लगने वाली कीड़े मकोड़े पनपते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें काई जमने लगती है, लेकिन जमजम का कुआं एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें आज तक काई नहीं जमी है। जब मुसलमान इस पानी को पीते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अमृत पी लिया। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी भूखों के लिए खाना है और बीमारियों के लिए दवा। लेकिन दोस्तों जहाँ एक तरफ मुस्लिम इस पानी को इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक भी नहीं मानते।